अच्छा भाई, टीवी भी तो नहीं तोड़ा होगा ना गुस्से में? एक दफा टीवी तोड़ चुका हूँ। क्या, किस चीज से मारा था? अच्छा, एक दफा मैं बेगम को ना, बेगम की वैसे वो टीवी तोड़ा था, बेगम बता रहा हूँ तुम्हें। तो पहले ये हमारे स्टार प्लस के ड्रामे बड़े चला करते थे, तो मैं बेगम को मना करता था। मैंने कहा आप अकेले में देख लिया करो, वो भी टीवी बहुत कम देखती है। अच्छा। तो मैंने कहा अकेले में देख लिया करो टीवी, आप बच्चों को ना बिठाया करो। अच्छा। तो मैं एक दफा घर आया, तो मैं कमरे से बाहर निकला तो अंशा थी कि अक्षा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था, और वो इंडियन ड्रामो में क्या होता है, थाली लेके यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती, पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा, तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो एक दफा टीवी तोड़ा था। फिर उसके बाद इसलिए कि यहाँ पे बच्चों की, देखें बच्चों की तरबियत यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि हमारी आजकल की जो माए हैं, होता क्या है कि बच्चे अगर रो रहे हैं, शोर कर रहे हैं, क्या करेंगे, आईपैड दे देंगे, टीवी खोल देंगे, आईफोन दे देंगे, टीवी खोल के दे देंगे। वो उस औरत के पास इतना टाइम नहीं अपने बच्चों के लिए कि वो उनके साथ बैठ के गपशप लगाए, उनको समझाए। अच्छा, बात करें। कभी छोटे थे बच्चे तो आपने चुप कराया रोते हुए बच्चों को, कभी ऐसा हुआ? बहुत कराया। क्या करते, मुझे देख के वैसे चुप हो जाते हैं। अच्छा, इसलिए कि एक दिन वाले साहब हमारे टेरेस में खड़े थे और मुझे बुलाया उन्होंने। हाँ। और उन्होंने मुझे ये कहा कि, उनसे मैंने पहले कहा था कि अब मेरी शादी करा दें आप बस जल्दी। हाँ। तो माँ बाप के लिए और क्या चाहिए, बेटा कह रहा है शादी। हाँ। करा दें। तो खैर टेरेस में खड़े हुए थे तो उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटा, पहले आपसे, आपके कहने से पहले वो पूछते रहते थे कि मैं शादी करा दूं? नहीं नहीं, वो तो सोच रहे थे अभी क्रिकेट शुरू की है तो बाद में जाके, आपने कहा करा दे बस शादी कर दें, 2000 की बात है। हाँ। तो अभी ने मुझे बुलाया क्या कि बेटा मैंने तो आपकी मंगनी की बात कर दी। तो आपने नहीं पूछा कहाँ की? नहीं, मैंने कहा बहुत अच्छा किया आपने। तो वो ना आंखों में आंसू थोड़े से ना कि इतना नाम इसका सारा कुछ, इसने मुझे ये नहीं कहा कि कौन है, किससे पूछ के कि ये। हाँ। वो मैंने कहा कर दी है मैंने, बहुत जबरदस्त। उस वक्त अम्मी हयात थी? अम्मी थी मेरी। तो अम्मी की रिश्तेदार जाके नहीं पूछा कि तस्वीर तो दिखा दें? नहीं, तस्वीर बाद में मंगवाई मैंने। अच्छा। तो जब तस्वीर देखी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा कि अब अच्छा, उस वक्त वो थी भी छोटी थी। अच्छा। वो छोटी थी तो ऊपर से हमारे गांव में पठानों में हमारे इतने मेकअप करा देते हैं और लाल लाल दुपट्टे ये वो। मैंने कहा अल्लाह खैर करे। हाँ। मैंने कहा यार और मंगवाओ तस्वीरें कुछ। हाँ। फिर जो बगैर मेकअप वेकअप के आई तो मैंने कहा आप ठीक है। हाँ। हाँ, फिर सही। अच्छा, उन्होंने भी, आपकी वाइफ आपकी फैन थी शादी से पहले, या फिर उन्होंने भी अपनी अम्मा अब्बा की मर्जी के आगे सर झुका है? नहीं, वो क्रिकेट शिकेट से कोई लगाव कुछ नहीं। तो आप जब आपकी शादी हुई तब आपने पहली दफा उनको लाइक ऐसे देखा या बातचीत हुई थी पहले? मैंने पिक्चर में देखी थी और पहली रात शादी की तब देखा था। ओए होए होए होए। तो फिर ऐसा हुआ कभी कि शादी के बाद, माशाल्लाह आपके पीछे लड़कियां हर एज की दीवानी थी, तो कभी बीवी को जेलसी फील, इनसिक्योरिटी, इस तरह की चीजें तो नहीं हुई? उसको समझाने में काफी टाइम लगा और अभी भी समझा ही रहा हूँ। कितने साल लग गए? कितने साल है शादी से लेकर अभी तक?